तो पेट और पाचन तंत्र के कैंसर का निदान और सही इलाज क्या है? तो आपके डॉक्टर आपको चेक करने के बाद कुछ टेस्ट बताएंगे, जिसमें खून की जांच या ट्यूमर बायोमार्कर्स होते हैं, पेट की सोनोग्राफी होती है, पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई होता है, कुछ केसेस में पेट की एंडोस्कोपी जिसमें ऊपर से अन्नली, स्टमक और छोटी आंत दिखता है, कोलोनोस्कोपी या नीचे से बड़ी आंत का दूरबीन से जांच हो सकती है, और बायोप्सी करते हैं। यह टेस्ट करने के बाद आपके डॉक्टर आपके कैंसर कौन सी जगह का है और उसका स्टेज क्या है यह डिसाइड करते हैं। और आपका स्टेज यदि 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 हो तो आपको पूरी तरह से कैंसर में से मुक्ति हो सकती है। कुछ सिलेक्टेड स्टेज 4 के दर्दी जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, उनमें भी यह कंप्लीट क्योर हो सकता है। सारवार 3 प्रकार की होती है। एक होता है जीआई कैंसर सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा पेट जिस जगह में कैंसर है वह निकाल दिया जाता है। अभी आधुनिक साधनों और अच्छी टेक्निक के द्वारा यह सर्जरी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से भी यह सर्जरी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से भी इसकी सारवार होती है। और तीसरा प्रकार होता है रेडिएशन, जिसमें शेक देके यह कैंसर ठीक हो सकता है। तो आपके डॉक्टर आपकी बीमारी और उसके स्टेज के ऊपर से ऑपरेशन पहले करना है, कीमोथेरेपी देना है या रेडिएशन देना है, यह डिसाइड करते हैं और आपको सही सलाह देते हैं।